जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु मारुकमणि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप सभी के ज्ञान में वृद्धि हो और आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो बहुत ही विशेष है। कई लोगों ने मुझसे ये जिज्ञासा प्रकट की है कि गुरु मां, यदि हमारे पास धन नहीं तो क्या हम उपाय नहीं कर सकते? क्या हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते? अगर हमारे पास धन नहीं, क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे ईश्वर हमारी सुने और हमारी स्थितियां भी बेहतर हो सके? बहुत से ऐसे लोग हैं जो उपाय कर करके थक चुके हैं, जिनको कोई उपाय लगता नहीं है, जिनका विश्वास ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से, भगवान से, धर्म से उठता जा रहा है। मेरा ये वीडियो आज उन सभी लोगों के लिए है और एक चैलेंज है। मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय यदि आप करेंगे तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज अवश्य ही अनुभव करेंगे, वो भी मात्र 43 दिन। आप इस उपाय को करें, इसमें ना कोई खर्च है, ज्यादा आपका समय भी नहीं लगेगा, ना आपने कहीं घर से बाहर जाना है, अपने घर में बैठे बैठे ही 43 दिन, मात्र 43 दिनों में आपको अपने जीवन में अचूक परिवर्तन दिखाई देगा। अगर ऐसा ना हो तो आप कॉल करके मुझे बताएं और मैं भी देखूंगी ऐसा कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे ईश्वर पे, धर्म पर, अपने ज्योतिष शास्त्र पर, अपने नवग्रह देवताओं की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। ऐसा हो ही नहीं सकता इस उपाय को करने के बाद आपका जीवन बदलना चाहिए। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनी ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी के अभी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और बेल का आइकन, घंटी का आइकन सब्सक्राइब पेज पे जरूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो अपलोड होते ही आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आपको सबसे पहले दिखाई दे। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का यदि जीवन में उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, धन की कमी उन्हें आ रही है, परेशान जीवन में हो रहे हैं, तो आप अवश्य ही इस उपाय को करें। इस उपाय को मात्र 43 दिन करना है, आप इसे सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं। उपाय इस प्रकार से है, आपके स्वामी, आपकी राशि के स्वामी सूर्य भगवान, उनका एक फोटो फ्रेम करा के अपने सामने रखें। यदि सूर्य भगवान का फोटो आपके पास नहीं है, आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम सूर्य भगवान फोटो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल पर भेज देंगे। आपने उस फोटो को फ्रेम करा के रविवार के दिन से इस उपाय को प्रारंभ करना है। अगर आप कहते हैं कि गुरु मां, हमारे पास तो इतना भी धन नहीं है कि हम कोई फोटो फ्रेम करा सकें या प्रिंट निकलवा सकें, तो भी इस उपाय को करना। चाहे आप अपने मोबाइल में फोटो देख करके कर लें, या आप सूर्य भगवान का सुमिरन करके, उनको ध्यान करके कर लें, तो भी आपको ये उपाय अवश्य ही फल देगा। सूर्य भगवान को ध्यान करते हुए उनके सामने आपको बैठना है। आप कोई घर का ऐसा कोना चुनिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कुछ समय के लिए, लगभग 40 मिनटों के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप एकांत में अकेले बैठ करके इस उपाय को करें। अपने फोन को तो सबसे पहले साइलेंट करके रखें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा परेशान करता है, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, इसको हटा करके आप रखें। अब आपने इस उपाय को या तो सुबह करना है या शाम करना है, किसी भी एक समय आप कर सकते हैं, जो अनुकूल समय हो, जो समय आपको लगे कि हाँ इस समय हम फ्री होते हैं, कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है समय का, किसी भी समय आप इसे कर सकते हैं। कोई माने, कोई चाहे तो दोपहर में भी इसको कर सकता है, कोई समय सीमा नहीं। सूर्य भगवान के फोटो के सामने आपने बैठना है और बैठ करके आपने सूर्य भगवान से अपनी जो भी इच्छा है वो इच्छा उनको बतानी है। अपनी इच्छा कहो, उनको उससे प्रार्थना करो कि आपकी इच्छा वो पूर्ण करें। चाहे आपकी धन की समस्या हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, उनसे कहें। लेकिन ध्यान रखें, ये प्रार्थना 43 डेज तक आपने यही रखनी है। ऐसा नहीं है आज ईश्वर से धन मांग रहे हो तो कल मान सम्मान मांग रहे हो, परसों आप प्रेम मांग रहे हो, उसके बाद शादी मांग रहे हो। 43 दिन तक एक ही मनोकामना रखनी है, कोई सी भी एक मनोकामना उनके सामने रखें। और अगर आपको पता नहीं है प्रार्थना क्या करें, प्रार्थना कैसे करें, तो भी आपको बता रही हूँ, आप ईश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु, आप हमें धन धान्य सुख शांति सौभाग्य प्राप्त कराएं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आप, मैं जो आपको एक बीज देने जा रही हूँ, उस बीज का उच्चारण करते हुए इस प्रकार से, इस विधि से आपने बैठना है।
सबसे पहले तो आप आसन पे किसी आसन पे बैठें और चौकड़ी मार करके पालथी मार करके बैठें। आपका जो शरीर हो बिल्कुल सीधा हो, आप हिले डुले ना, शरीर को बिल्कुल सीधा रखें और स्पेशली अपनी स्पाइन को सीधा रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपने हाथों को इस मुद्रा में आपने रखना है, अपने हाथों को इस मुद्रा में रखें अपने पैरों के ऊपर, और अब आप गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ते हुए जो मैं बीज मंत्र आपको बताने जा रही हूं इसका उच्चारण आपने करना है। राम का उपयोग करें, राम मंत्र बोले सांस को छोड़ते हुए, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, और छोड़ते हुए अपने मन में आपने राम बोलना है। आप 40 मिनट तक इसी प्रकार से करते रहें, गहरी लंबी सांस लें और उसके बाद राम छोड़ते हुए सांस को राम बोलना है। सांस गहरी और लंबी हो और छोड़ते समय भी पूरा छोड़े और अपने मन में राम बोले। आप 40 मिनटों तक अगर इसको नहीं कर सकते हैं तो आप पहले धीरे धीरे करके आप भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 5 मिनट किया, फिर 10 मिनट किया, फिर 15 मिनट किया, फिर 20 मिनट किया, ऐसे करते करते धीरे धीरे अब भी बढ़ाएं। और जितना करना तो 40 मिनट ही है, लेकिन कम भी करेंगे लेकिन फिर भी रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके समय को बढ़ाएं। इस प्रकार से बहुत सरल उपाय है, कुछ करना नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है। जब आपने 40 मिनट तक ये मंत्र उच्चारण किया अपने मन में, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए ये बीज मंत्र बोला, उसके अंत में फिर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी ये मनोकामना है, आप इसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। पूरे भाव से, पूरी तन्मयता से ईश्वर पर विश्वास रखते हुए कि हमें ये प्राप्त करना ही करना है, आप अपने तन्मयता से ईश्वर को बताएं, अवश्य ही भगवान आपको चमत्कार दिखाएंगे। आप इस उपाय को 43 दिन करें और अवश्य ही आप अपने जीवन में एक अचूक परिवर्तन देखेंगे। साथ ही आपको बताना चाहूंगी, यदि आपको अपनी जन्म कुंडली की स्थिति नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन से शुभ फल प्रदान कर रहा है, कौन सा अशुभ फल प्रदान कर रहा है, तो उसके लिए आप मुझसे अथवा हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी जन्म कुंडली एक बार चेक करा सकते हैं। हम व्हाट्सएप की वीडियो कॉल द्वारा हम आपकी जन्म कुंडली चेक करेंगे और आपको आपकी कुंडली के अनुसार हर वो परेशानी का उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में आ रही हो। और हम हर तरह की परेशानी का उपाय करने में सक्षम हैं, चाहे आपकी वो परेशानी धन से संबंधित हो, पैसों से संबंधित है, आपके व्यापार से संबंधित है, आपके जॉब से संबंधित है, जॉब की ट्रांसफर से संबंधित है, या आपका करियर सेट नहीं हो रहा, आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है उससे संबंधित है, या शादी में कुछ, जीवन में आपका जीवन साथी आपको प्राप्त नहीं हो रहा, या शादीशुदा जीवन में कोई तनाव आ रहा है, या आपको बच्चों की कोई समस्या है, या आप विदेश सेटल होना चाहते हैं अब तक हो नहीं पा रहे हैं, प्यार नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की कोई सी भी परेशानी हो, जन्म कुंडली में हर प्रकार की परेशानी का हल होता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली मुझसे या गुरु जी से चेक करा के हर प्रकार की परेशानी का समाधान ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उन पे कॉल करके हमसे या गुरु जी से एक अपॉइंटमेंट बुक करिए। अपॉइंटमेंट बुक करने की एक छोटी सी फीस ली जाती है, जो कि आप पेटीएम से या ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा दे सकते हैं हमारे शनि भगवान के मंदिर के अकाउंट में, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिल जाता है। ये जो फीस है ये हमारे शनिपीठ मंदिर के संचालन के काम आती है। साथ ही हम जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे हर शनिवार को हलवे का प्रसाद वितरण हम करते हैं, समय समय पर गरीबों के बीच में अन्नदान करते हैं, समय समय पर हम यज्ञ का आयोजन, यज्ञ पूजाओं का आयोजन करते हैं, और विशेषकर जो मैं लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देती हूँ उसके लिए, उस सबकी मेंटेनेंस के लिए ये प्रयोग में ली जाती है। तो आप अपनी कुंडली दिखाने के माध्यम से भी इन सभी सेवाओं में अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि हमारा देश तरक्की करे, हमारा समाज उत्कृष्ट हो। आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। भगवान आप सभी पर कृपा करें, आप सभी की इच्छाएं पूरी हो, यही मेरी मंगल कामना है। जय शनि। क्या आप नौकरी ना मिल पाने के कारण परेशान हैं?
क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा? क्या आपका बॉस आपको हर समय धमकियां देता रहता है? क्या आपके ऑफिस कॉलीग बॉस के साथ मिलकर हर समय आपको नीचा दिखाते रहते हैं? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें